केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सशस्त्र सीमा बल SSB के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजपुर के SSB कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा CRPF SSB जैसे संगठनों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में SSB की स्थापना हुई और अटल जी ने जब वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति लागू की तब से SSB बल 2001 से भारत नेपाल सीमा और 2004 से भारत भूटान सीमा की कर्तव्य निष्ठा से रक्षा कर रहा है। मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी CAPF चाहे वो CRPF हो या सीमा पर तैनात SSB जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। आज यहां पर SSB के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए SSB की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात SSB का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।